तो गाइस बहुत बड़ा कंपाउंड है और बहुत बड़ा अच्छा ही नज़ारा है यहाँ पर, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आधा भाग माँ कौशल्या को दिया, बचे हुए भाग के दो भाग करके एक भाग सुमित्रा जी को दिया, फिर बचे हुए भाग के दो भाग किए, एक भाग महारानी कैकेयी को। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो बाबा श्री सुंदरनाथ स्वामी जी, वहाँ पर इनका प्रतिदिन प्रवचन चल रहा है और 4 से 5 मन पहले से प्रवचन का प्रोग्राम करता है, जो कि कार्यभार संभाले हैं श्री सुंदरनाथ स्वामी जी के माध्यम से हो रहा है। तो कुछ दिन पहले भी ला करके बाबा से पूरा जानकारी लिए थे। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बाबा से कुछ जानकारी लेते हैं। जी बाबा, कुछ बताइए यहाँ के बारे में। जय श्रीमन्नारायण। प्रातः स्मरणीय तपोमूर्ति तपह पूत पूज्य श्री सुंदरनाथ ज्योतिराज स्वामी जी महाराज के, जो विगत महीनों से आप लोग जो दिव्य चातुर्मास व्रत का आप लोग दर्शन कर रहे और कथा श्रवण कर रहे थे, आज उसी के व्रत के उपलक्ष में, पावन उपलक्ष में परम पूज्य श्री सुंदरनाथ स्वामी जी महाराज के दिव्य पावन सानिध्य में चातुर्मास व्रत के उपरांत श्री श्री 1008 कुंडी यज्ञ अति लक्ष्मीनारायण महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है। कल जलाहरण होगा इस कार्यक्रम में। जलाहरण के बाद इसमें भगवान वरुण देवता से अब हम लोग जा करके जलाहरण करके आज्ञा लेकर के यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। 31 तारीख कल जलाहरण है और 1 तारीख से भगवान अग्निनारायण का प्रागट्य होगा और प्रागट्य होने के बाद यज्ञ प्रारंभ हो जाएगी। और यहाँ पर अनेक तीर्थक्षेत्रों से, वृंदावन, काशी और दक्षिण भारत से, जो हमारे परंपरा के मुख्य आचार्य हैं श्री पूज्य गादी स्वामी जी महाराज का भी आगमन होगा। यहाँ पर 4 तारीख को विराट धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है, उसमें सभी विद्वान आचार्य काशी वृंदावन मथुरा से पधारेंगे और हम और आप दर्शन करके इसका लाभ उठाएंगे। और 5 तारीख को यज्ञ भगवान की पूर्णाहुति होगी। भगवान नारायण की कल जलाहरण है और उस जलाहरण में आप लोग भारी संख्या में उपस्थित होकर के सनातन के स्तंभ को मजबूत करें। सभी सनातन वैदिक सिद्धांत बंधुओं से हमारी यही कामना है, कल आप लोग प्रातः काल 7 बजे इस यज्ञ स्थल पर उपस्थित हो जाएं, यही सबसे आग्रह है। 31 अक्टूबर को। अच्छा बाबा, ये ऑडियंस को आप लोग बताइए कि यहाँ पर कितना कुंड बना हुआ है और क्या यहाँ पर व्यवस्था की गई है, थोड़ा सा ये रामलीला का भी सुन रहे हैं प्रतिदिन मनोरंजन के लिए, जो कि रामलीला का भी कुछ व्यवस्था कुंड के बारे में बताइए। अति लक्ष्मी नारायण यज्ञ, यहाँ पर 1008 कुंडात्मक यज्ञ है, 1008 कुंड बने हैं जिसमें सभी 1008 यजमान 1008 यजमानिन होंगे और यहाँ पर कम से कम 700-800 विद्वान ब्राह्मण होंगे और 251 के लगभग यहाँ पर यज्ञ मंडप बने हुए हैं। और दूसरी बात, सायं संध्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, अनेक अनेक जो भी संगीत कलाकार हैं, संगीतज्ञ बंधु हैं, उनके द्वारा हम लोग क्या है कि संगीत का आनंद लेंगे, भगवत भजनों का आनंद लेंगे। और इस यज्ञ में जितने भी एक बार और ऑडियंस का बता दीजिए, अभी वहाँ पर अयोध्या धाम से पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य वाल्मीकि रामायण के उद्भट विद्वान श्री रत्नेश प्रपन्नाचार्य स्वामी जी महाराज के द्वारा वाल्मीकि रामायण श्रवण कर रहे हैं, गादी स्वामी जी महाराज और बालक स्वामी जी महाराज का इसी मंच से हम लोग दर्शन करेंगे। 4 तारीख को विराट संत सम्मेलन है जी। कुछ ऐसा सुनने में आया कि जो कि जितने भी देवी देवता है, कुछ हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी, उसमें अन्य नदियों का जो जल है, जो तीर्थ के जल हैं, जो सप्त नदियाँ हैं, जो सप्त सागर हैं, उनके जल एकत्रित किए गए हैं और उन जलों को उस दिन क्या यज्ञशाला के ऊपर भूमि के पवित्रीकरण के लिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति तो जल छिड़काव नहीं कर सकता, हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पर इस भूमि को पवित्र तो भूमि हो गई है, लेकिन अन्य तीर्थों का जल यहाँ पर पड़ने से भूमि और गौरवशाली और पवित्रमयी हो जाएगी।